गर्दन दर्द या सर्वाइकल पेन, नेक स्पाज्म, आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर ये क्यों डेवलप होता है और हम इसे कैसे घर बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, नेक पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम और प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को होती है। बहुत सारे लोग जो हमारे सर्जरी के बाद नेक पेन की कंप्लेन करते हैं, क्योंकि बहुत देर तक लेटे रहते हैं वो सर्जरी के बाद, नेक पेन के साथ साथ हो सकता है कि उनको ये जो मांसपेशी ट्रेपेजियस, इसमें भी दर्द हो रहा हो। कई बार ये नेक अकड़ जाती है, ट्रेपेजियस अकड़ जाती है, जिसके कारण आपकी गर्दन घूमनी भी बहुत कम हो जाती है। तो आखिर ये सब चीज़ें कई रीजंस की वजह से डेवलप हो सकती है। पहला रीज़न ये रह सकता है कि आपकी जो नेक की मसल्स है वो बहुत वीक है। सेकेंड रीज़न रह सकता है कि क्योंकि आप पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, जिससे आपकी गर्दन झुकी रहती है, या फिर आप पूरे दिन मोबाइल पे काम करते हैं, जिसमें भी आपकी गर्दन झुकी रहती है। तो कोई भी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर प्रोलॉन्ग आपकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी रहती है, वो आपके नेक पे बहुत स्ट्रेन डालती है। साथ में इस एक्टिविटी के कारण आपके जो अपर बैक होती है वो भी राउंडेड हो जाती है, शोल्डर आगे की तरफ आ जाते हैं, ड्रूप। ये पॉस्चर भी हमारे नेक पे बहुत स्ट्रेन डालता है। सर्जरी के बाद क्योंकि बहुत लंबे समय तक पेशेंट लेटा रहता है, उसमें भी नेक स्ट्रेन आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर नेक पेन हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या सबसे अच्छा तरीका है, और हम कैसे फ्यूचर ऑपरेशन से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपने आज इस नेक प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका बढ़ता रहा, तो हो सकता है कि आपके हाथ में झंझनाहट, दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाएं। ये इसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। ये एक तरह का नर्व कंप्रेशन है जो कि आपके नेक में डिस्क निकलने की वजह से या ऑस्टियोफाइट, छोटी छोटी हड्डियाँ बढ़ने की वजह से डेवलप हो जाता है, और ये चीज़ आपको सर्जरी की तरफ भी ले जा सकती है, जो कि काफ़ी डेंजरस होती है नेक की सर्जरीज। तो अगर आपको किसी भी तरह के नेक पेंस हो रहे हैं, तो आप इनिशियली गर्म पानी का सेक कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्ट्रेचेस से हम एक्सरसाइजेस चालू करेंगे और धीरे धीरे वही एक्सरसाइज हम स्ट्रेंथनिंग पे भी ले जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए और आपको हम सबसे बेस्ट स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कौन सी है नेक पेन की, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें सीधा बैठना है, बैक को सीधा रखेंगे, वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। तो दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है कमर के साइड में और पकड़ लेना है इस तरह से। ये हम इसलिए करेंगे ताकि आपका शोल्डर आगे के साइड रोल ना हो और पूरा मसल लेंथ मिले। सबसे पहले हम साइड टू साइड करेंगे। इसको हम 3-3 टाइम करेंगे बोथ साइड, फिर नेक को आगे पीछे, इसकी भी 3-5 रैप करेंगे एंड देन रोटेशन। पूरा रोटेट नहीं करना है, नेक को साइड बाई साइड रोटेट करेंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक स्ट्रेच। हमें राइट साइड का मसल स्ट्रेच करना है, इसके लिए हम हाथ से स्टूल को पकड़ लेंगे और सीधे बैठेंगे और अपने लेफ्ट साइड के कान को नीचे कंधे से लगाएंगे, लेफ्ट साइड के कंधे से लगाएंगे। इसमें हमें कंधे को ऊपर नहीं उठाना है और जहां स्ट्रेच आ जाए उसको 5-10 सेकंड तक होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे साइड भी करेंगे। इसके 5-10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और आप 3-5 रेप कर सकते हैं। एंड सेकंड चिन टक, इसमें हमें चिन को अपने थ्रोट से लगाना है, नेक को रोल नहीं करना है। सीधा बैठेंगे इसमें और उसके बाद ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है। एंड नेक्स्ट स्ट्रेच में हमें अपने गर्दन को सीधे तरफ टेल करना है और अपोजिट साइड सीलिंग की तरफ देखना है।
जब ये स्ट्रेच आपके इजीली होने लगे देन इसके बाद आप इसको असिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं, थोड़ा पैसिवली कुछ भी दे सकते हैं, लाइक सीधे बैठ के टिल्ट है इसको आप अपने दूसरे हाथ से पुश कर सकते हैं। लास्ट स्ट्रेच, ये स्ट्रेच सिर्फ नेक टाइप टैक मसल के लिए करना है और पोस्टरल पेन के लिए, और अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करें।